ईशु क्या खाएगी? मैगी। मैगी खाएगी। ये देखिए मैगी के लिए, मैगी के लिए रो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? भाई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने ब्लॉग में हर बार आपके लिए नई अपडेट्स लेके आता हूँ। तो आज वंदना और दीदी जी बना रहे हैं कटहल की सब्जी। एक्चुअली कटहल चंडीगढ़ में इजीली अवेलेबल है, रेडी वगैरह पे आपको कटहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा कि आपको जब कटहल मिलेगा तो वो काट के पीसीज में मिलता है, यानी कि आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, क्योंकि जैसे मैं लास्ट वीडियो एक बार शेयर की थी, ये काटने में बहुत सी परेशानी करता है क्योंकि ये स्लिपरी से रहता है। तो इसको काटने के लिए आप हाथ में ऑयल्स वगैरह लगा के उसको काट सकते हैं। तो चंडीगढ़ में जैसे कि मैंने बताया, इजीली अवेलेबल है कि आपको पीसीज में कटा हुआ मिल जाएगा। और ये देखिए, ये त्रिशा को क्या मिला, देखिए लेके आई थी खाने की चीज, इसमें पजल मिला। पजल, पजल? अच्छा पता है क्या बोल रहे भैया? रिमोट। हाँ, रोबोट, रोबोट मिला इसको भैया, ऐसा बोल रही है। इसकी मम्मी जानती है कि ये क्या बोल रही है। हाँ ये मिल, और मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोल रही थी कि मेरे को भी दिखाओ वीडियो में। तो ये देखो, ये त्रिशा दिख गई। हाय करो त्रिशा, दिख गई, दिख गई, हाय कर दे, हाय कर दे, हाय। ये दिख गई आप वीडियो में, आप जा सकते हो। ओके, हाँ तो ये बना रहे भाई कटहल की सब्जी। तो बस अब कितनी देर उठाए रखना भाई तुझे, बस ये देखो भाई इसका ये क्या मिला है, क्या बोल रही थी ये? हाँ पता नहीं क्या बोल रही, रोबोट 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 सॉरी रोबोट। अभी हम लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, साथ में मिर्ची भी है, जीरा है, वो डाल दिया है। अब उसको थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे। अभी ये पक रहा है हमारा अदरक लहसुन और इसका पेस्ट मिक्सी का। देखिए हमारा पेस्ट अभी रेडी हो गया है, इसमें पक रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग इसमें हल्दी देगी मिर्च डाल देंगे। अभी हम लोगों ने इसमें हल्दी ऐड करी है। हल्दी डाल दी है सब्जी के रिगार्डिंग। अब हम लोग इसमें टमाटर का पेस्ट जो बनाया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे, वो हमने पहले ही ग्राइंड करके रख दिया उधर। हल्दी पक गई है, अब हम लोग इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं। ग्रेवी हो रही है तैयार, देखिए टमाटर ऐड कर दिए इसमें, अब इसको पका रहे हैं धीरे धीरे। टमाटर को पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए। पकने के लिए
रख दो। अब हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ रहे हैं। ये हम लोगों ने टमाटर और उसको ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तब तक हम लोग बातें करते हैं आपस में भाई। ये देखिए हमारा ग्रेवी तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ग्रेवी हो जाएगी तैयार तो हम लोग इसमें कटहल ऐड कर देंगे। अब ये धीरे धीरे ग्रेवी तैयार हो रही है। अब हम इसमें देगी मिर्च ऐड कर रहे हैं, साथ में हम लोग इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि हमने साबुत धनिया नहीं डालते इसलिए पेस्ट भी डालते हैं इसमें। जो आपको अच्छा लगे, आपको साबुत धनिया अच्छा लगता है तो उसके हिसाब से आप साबुत धनिया तड़के में डाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसे पेस्ट डालते हैं। तो हम लोगों ने पेस्ट ही यूज करा इसमें। ये अभी हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, होगी। अब हम लोग इसमें कटहल ऐड कर रहे हैं। वैसे हम लोग अपने घर का कटहल खाते थे, आज हम लोग बाजार में गए हुए थे दीदी के साथ, मार्केट में उधर बिक रहा था, तो दीदी ने बोला चलो आज इधर का खा के देखते हैं कैसा होता है। एक दिन हम लोग लाए थे, वो कड़वा था, पता नहीं इसमें क्या था, वो कड़वा था, बीच बीच में आधे पीस कड़वे थे। आज देखते हैं आज कैसा है। घर का तो अच्छा होता है, उसमें अलग ही टेस्ट आता है उसका, तो देखते हैं ये कैसे अच्छा लगता है, या इसमें भी कड़वे होंगे तब तो छूट ही जाएगा बाहर का खाने के लिए, घर का ही खाएंगे फिर। अब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा पानी डालते हैं इसमें, क्योंकि ये जो इसके पीसेस होते हैं ये पानी चोस लेते हैं ना, फिर तब जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल दो तो ठीक रहता है, इसमें तरी वगैरह की कमी नहीं रहती, अदरवाइज ये पीसेस चोस लेते हैं पानी सारा ही। इसको हम छोड़ देंगे अभी पकने के लिए थोड़ी देर। ये रहा भाई कटहल की रेसिपी कैसे बनता है। ये बन गया हमारा कटहल, अभी हम इसको बताएंगे थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कटहल की सब्जी बन रही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं कि खाते कौन कौन है कटहल की सब्जी। त्रिशा आप कटहल खाते हो? नहीं। और ईशु खाते कटहल? सही है, लड़की ये खाती है। और पलक है यहाँ पे, और पलक खाई कटहल? तो इनके साथ मैं भी हूँ जो नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता, त्रिशा भी नहीं खाती, और ईशु है ये भी मना कर रही है, और पलक का भी मना। अच्छा आप, ये बच्चा चेंज हो गया, देख स्टेटमेंट चेंज हो गई इस बच्चे की, ये बोल रही है कि हाँ खाएगी, त्रिशा भी खाएगी और ईशु भी है, लेकिन ये थोड़ा सा खाएगी ना। हाँ तो सब्जी तो जितने मेजोरिटी बन रही है, आधे से ज्यादा लोग नहीं खाते, फिर भी कटहल बन रहा है, वैसे टेस्टी है, बनता है, पर कुछ लोगों को नहीं है पसंद, तो देखते हैं आज कौन किसको खाना मिलता है और कौन भूखा रहता है। मैं भूखा रहूंगी। ये देखिए पलक बोल रही है, पलक भूखे रहेंगी, मैं और पलक आज भूखड़ ताल पे है, आज कटहल नहीं खाया जाएगा, तो हमारे लिए स्पेशल बाहर से आएगा कुछ ना ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और पलक भूख हड़ताल पे आज, क्योंकि कटहल तो हम पसंद नहीं करते, और ये दोनों ये विपक्ष पार्टी के हैं, ये दोनों खाते हैं, तो शेयर करूंगा आपके साथ और मजेदार वीडियो क्लिप।
ये देखिए अभी हमारा कटहल रेडी हो चुका है, हमने गैस ऑफ कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम लोग इसमें धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया डालेंगे इसमें, फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि धनिया बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। देखिए हम लोग इसमें अब हरा धनिया छान के डालेंगे। ये हो गया हमारा कटहल तैयार, ऑलमोस्ट। ये था आज का कटहल का डिश। खाना खाने का टाइम हो गया है सभी का। ये क्या लगाया मुंह पे, निकाल दे, गंदा है गंदा। और देखिए बच्चों की स्टेटमेंट चेंज हो रही है खाना खाने के लिए। ईशु क्या खाएगी, मैगी, मैगी खाएगी। ये देखिए मैगी के लिए, मैगी के लिए रो रही है। त्रिश क्या खाएगी, अच्छा आप भी मैगी खाओगे। और मैं और पलक, जैसे मैं बताया था, हम तो दो कैंडिडेट बोल रहे थे कि हम तो खाएंगे नहीं, तो ये दोनों कैंडिडेट मैगी वाले हो गए। मैगी शाम को कहाँ मैगी मिलेगी इनको। तो आज ईशु भी हमारे साथ भूखी रहेगी भी, है ना। ईशु होगी, त्रिशा होगी, है ना। त्रिशा भी, ये क्या लगाया हुआ आपने, हाय कर दो, हाय। कैसे हो आप सब, ठीक ठाक, ठीक ठाक हो। और ये क्या लगाया आपने, ब्लैक कलर कलर का, ये तो बने रहिए वीडियो। तो ये देखिए कटहल की सब्जी बनके हो गई तैयार, अभी हम खा रहे हैं इसको बना के, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। जैसे कि बंदना ने रेसिपी शेयर की इसकी। तो थैंक्स फॉर गाइस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।